जय श्री राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा होने वाला है बल्किंग और कटिंग फेस के बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने बल्किंग में क्या कर सकते हैं और हम अपने कटिंग फेस में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने अपने बल्किंग फेस में क्या क्या चीज़ें की हैं और मैंने उसको फिर कैसे कट किया। और फिर उसके बाद अभी मेरी बल्किंग की सेकेंड वीक है, तो इस वीक में मैं बल्क कर रहा हूँ और मेरी वीडियो आपको इसके बाद मिल जाएगी कि अभी मेरा क्या बॉडी का क्या स्ट्रक्चर है। तो आप इसको देखें और एंजॉय करें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू। और एक बात और गाइस, जो भी चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता हूँ वो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है और आप बॉडी के चेंजेस भी देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी चेंजेस मैंने देखे अपने बॉडी में। सो वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको डाइट के बारे में जानना है कि मैंने कौन सी डाइट यूज़ की है, तो इससे पहले मैंने एक सीरीज़ बनाई थी जब मैं अपने कटिंग फेज में था, तो मैंने एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें मैं वो डाइट यूज़ कर रहा था जो मुझे हेल्प करी थी कटिंग में। तो आप वो वीडियो देख सकते हो। आई होप कि वो वीडियो आपको भी हेल्प करेगी। तो आप इसमें जो भी चीज़ें देख रहे हो वो मैंने खुद के ऊपर अप्लाई की हुई हैं एंड वो ओरिजिनल है। ठीक है, थैंक यू। सो गाइस, ये अभी मेरे बॉडी की कंडीशन है। अभी ये मेरे बल्किंग की कंडीशन है। ये 1.5 वीक्स हुए मुझे बल्क करते हुए, तब मैंने ये वीडियो बनाई थी। सो गाइस, ये है मेरी बॉडी की करंट कंडीशन। अभी मेरी बॉडी इस कंडीशन में है। अब हम देखते हैं कि हमारी बल्किंग में बॉडी किस तरीके से चेंज होती है। सो गाइज, ये है मेरी कुछ कटिंग की पिक्चर्स जब मैं कट कर रहा था। तो ये है मेरी बॉडी की फैट परसेंटेज। आप देख सकते हो इसमें फैट बहुत कम है और अभी मैंने बहुत कम बॉडी फैट पे इसको मेंटेन किया है। सो गाइज, अब ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हो ये मेरे स्टार्टिंग फेजेस की पिक्चर्स हैं जब मैंने जिम शुरू किया, और ये है मेरे फर्स्ट बल्किंग के पिक्चर्स। ये फर्स्ट फेज ऑफ बल्किंग है जब मैंने बल्क किया था। तो आप देख सकते हो ये मैं कुछ ऐसा दिख रहा था। गाइज, अभी तक वीडियो देखी है तो आई होप कि वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मैं आपको बल्किंग और कटिंग इन दोनों फेजेस के बारे में एक एक्सपीरियंस ये बताना चाहूँगा कि अगर आप बल्क कर रहे हो तो आपको कैलोरीज अपनी हाई करनी होगी, यानी कि आपको कार्ब्स और प्रोटीन के जो इंटेक है उसको हाई करना होगा। और अगर आप कट कर दो तो आपको उसी कैलोरीज को अपने वेट के अकॉर्डिंग कम करना होगा। आपका अगर वेट सपोज करिए 60 केजीज है तो आपको 2000 तक कैलोरीज चाहिए, और अगर आप बल्क कर रहे हो तो 60 केजीज में आपको एटलीस्ट 2500 से ऊपर कैलोरीज चाहिए। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, बाकी आपके वेट के हिसाब से आप अपने कैलोरीज को मेंटेन कर सकते हो। तो ये मैंने अपने हैं और अभी मैं बल्क कर रहा हूँ। तो आप इस चैनल पर जुड़ें और आप देखेंगे कि मैं आगे बल्क में क्या क्या चीज़ें अपने बॉडी पे करने वाला हूँ, तो मेरे बल्किंग का क्या एक्शन रिएक्शन होने वाला है, तो वो आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा मैंने अपने बॉडी में क्या क्या चेंजेस किए। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।